हाँ, याद रखना इस बात को, ठीक है। बहुत से लोगों के मन में शंका ही हो जाती है। तो परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। एक समय की बात, इंद्र की सभा लगी हुई है। महाराज एक समय की बात, इंद्र की सभा लगी हुई है। इंद्र की सभा में सभी लोग बैठे हुए हैं। उसी सभा में गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी बैठे। तब गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ में ऐसे आपस में बातें होने लगी, और जब बातें होने लगी तब तक वशिष्ठ जी बोल पड़े कि इस सभा में बने चाहे कोई, लेकिन मेरा शिष्य जो हरिश्चंद्र है उसके जैसा राजा कोई नहीं। बड़ा ही दानवीर है, बड़ा ही सत्यवादी है, उसके जैसा राजा कोई नहीं। विश्वामित्र कहने लगे, तुम महात्मा हो और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, तुम अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि हरिश्चंद्र जैसा कोई संसार में हो ही नहीं सकता, लेकिन हम जब बात कैसे माने। विश्वामित्र बोले वशिष्ठ से कि हम जब बात कैसे माने, क्योंकि हम किसी भी चीज का जब तक परीक्षण नहीं करते तब तक कोई निर्णय नहीं लेते हैं। वशिष्ठ जी समझ गए कि इनके मन में शंका है। तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से बोले, महात्मा अगर तुम परीक्षा ही ले चाहो तो चले जाओ, परीक्षा ले आ। परीक्षित महाराज विश्वामित्र जी चले और चल के सूकर का वेश धारण किया, हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए। और जब हरिश्चंद्र की बगिया में घुसे तो घुसने के बाद में सारी बगिया को उजाड़ने लगे विश्वामित्र। बाग का माली आया, रोका विश्वामित्र को, तो दादा उस सूकर ने माली की भी जंगा को फाड़ दिया। अब माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ भागता हुआ पहुंचा हरिश्चंद्र के पास में, वही जहां सभा लगाए हुए थे हरिश्चंद्र। और जैसे ही पहुंचा है वो माली, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, कहो माली काय को रो रहे हो, कौन सी आपत्ति पड़ गई और तुम्हारी जंगा में से रक्त काय को निकल रहो। तब माली ने जवाब दिया कि महाराज बाग में एक सूकर आया है, सूकर उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया है, तो महाराज आप चलिए, चल करके सूकर को मार दीजिए चल के। तब हरिश्चंद्र ने कहा था कि हे माली अभी संध्या का समय है, और संध्या के समय अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। मेरे माताओं मेरी बात ध्यान रखना, संध्या का समय जानती हो कब होता है? हैं? शाम? नहीं, शाम को नहीं कहते, संध्या अलग होती है। संध्या कब होती है सुनो, जब सूर्य डूबने वाले हो, कभी भी देखा हो आप लोगों ने, जब सूर्य डूबने वाले हो और आकाश में जो लाल लाल रोशनी हो जाती है, समझ लेना वही संध्या का समय चल रहा है। और जब सूर्य बिल्कुल डूब जाते हैं तब उसको कहते हैं शाम। याद रखना बातों को, ठीक है ना, घर जाके भूल जाओ। आओ याद रखोगी तो ठीक। तो उसको ही कहते हैं संध्या का समय। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, हे माली संध्या का समय है, और संध्या के समय अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, अरे है संध्या को समय और दुख मत दीजिए काऊ, मनोज भैया संध्या को समय दुख मत दीजिए काऊ।